हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मार्वल यूनिवर्स के अंदर एंटमैन है, जिसके पास पावर है कि वो अपने साइज को छोटा या बड़ा कर सकता है। लेकिन आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम उसके बड़े साइज यानी कि जायंट मैन की बात करने वाले हैं और उसकी बैटल कराएंगे बेंटन के एलियन वे विक के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वे विक का भी साइज जायंट मैन की तरह काफी ज्यादा बड़ा है, तो ये वीडियो काफी ज्यादा औसम होने वाली है। ये जानने के लिए कि इन दोनों करेक्टर में कौन विनर होगा, वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप लोग को वीडियो के अंदर कुछ भी अच्छा लगे तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते आज की हमारी इस औसम वीडियो को। तो यहाँ पे गाइस इन दोनों करेक्टर की पावर्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद डिसीजन लेंगे कि इन दोनों करेक्टर में विनर कौन होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जायंट मैन के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एंटमैन जब बड़ा होता है तो उसका जो साइज है काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन गाइस जब भी वो बड़ा होता है उसकी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है और उसकी जो टोटल हाइट होती है गाइस वो टोटल 65 फीट की होती है, यानी कि 65 फीट की। और जायंट मैन जब भी बड़ा होता है तो उसकी जो मेन पावर होती है वो उसकी स्ट्रेंथ ही होती है। अब बात करते हैं वे विक की पावर के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वे विक बेंटन का एक एलियन है जिसकी स्पीशीज का नेम है टोकोस्टार। और जब भी बेंटन वे विक में ट्रांसफॉर्म होता है तो गाइस उसकी स्ट्रेंथ लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वे विक का जो साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा है। और इसके टोटल साइज की अगर हम बात करें तो वे विक का टोटल साइज 100 फीट से भी ज्यादा है। और वे विक के पास कॉस्मिक पावर्स है, उसकी हैंड्स के ऊपर काफी बड़े बड़े ब्लेड होते हैं जो कि काफी ज्यादा शार्प होते हैं। तो ये थी वे विक की कुछ डिटेल। अब बात करते हैं कि आखिर जायंट मैन वर्सेस वे विक की अगर फाइट हो जाए तो इस फाइट का विनर कौन होगा। तो इन दोनों की पावर्स के बेस पे देखा जाए तो गाइस अगर इन दोनों कैरेक्टर में कभी भी फाइट हो जाए तो यहाँ पे वे विक जो है आराम से जायंट मैन को हरा देगा। इसका सिंपल सा रीजन मैं आप लोग को बता देता हूँ कि वे विक के पास काफी ज्यादा पावर है, जिससे कि वे विक जायंट मैन को कुछ ही सेकंड्स में हरा सकता है। जायंट मैन वे विक की एक कॉस्मिक रे को भी झेल नहीं पाएगा और कॉस्मिक रे के एक अटैक से ही हार जाएगा। और वैसे भी गाइस अगर कॉस्मिक रे का भी वेविक यूज ना करें तो भी वेविक का जो साइज है वो जायंट मैन से भी दुगना है। यहाँ पे गाइस वेविक स्ट्रेंथ के मामले में भी जायंट मैन से काफी ज्यादा पावरफुल है, वो चाहे तो जायंट मैन को उठा के दूर फेंक सकता है क्योंकि उसका जो साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा है जायंट मैन से। इसके अलावा गाइस मैं आप लोग को बता दूं कि एंटमैन जब भी जायंट मैन बनता है तो उसकी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। जायंट मैन बनने से उसकी सिर्फ स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, लेकिन जायंट मैन की स्ट्रेंथ भी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो स्ट्रेंथ के मामले में वे विक को हरा पाए। और गाइस वे विक के बड़े साइज का वे विक की स्पीड पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता और वे विक काफी ज्यादा स्पीड में काम कर सकता है और वे विक के सामने जायंट मैन कुछ सेकंड्स भी नहीं टिक पाएगा। तो गाइस इन सब रीजंस की वजह से इन दोनों करेक्टर में जो विनर है वो है वे विक। तो आज की हमारी इस बैटल का विनर वे विक बन चुका है। लेकिन गाइस अगर आप लोग अपना ओपिनियन भी देना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक थी। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना और आज की हमारी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की हमारी इस वीडियो को लाइक एम है 1000 लाइक। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस लाइक एम को कम्प्लीट कर दोगे। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आप लोग को सुपर हीरो से रिलेटिव काफ़ी सारी अपडेट मिलती रहेगी। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।